तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीजिन यू के बीस्ट को डांट रही होती है क्योंकि उसने ग्रीन डायमंड का ग्रीन स्टोन खा लिया था और इस स्टोन के बिना भी ग्रीन डायमंड बिल्कुल ही बेकार था और उसकी बॉडी का कुछ ज्यादा कीमत नहीं था। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू के बीस्ट ने उस ग्रीन डायमंड का फिफ्थ लेवल का स्टोन खा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजिन फिर से उसे डांटने लगती है, उसे बोलती है कि हमें पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और तुमने उसका फिफ्थ लेवल स्टोन खा लिया है और पता नहीं कि अब हमें इसके कितने पैसे मिलेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेलर उस बीस्ट को स्कैन कर रहा था और वे उस बीस्ट को स्कैन करने के बाद कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि इसके ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि इस बीस्ट में इसका स्टोन नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि इस बीस्ट के बदले ज्यादा कुछ मिल पाएगा। तभी हम देखते हैं कि ये सब सुनकर यू का बीस्ट यू के पास आ जाता है, जिसे देखकर यू कहता है कि तुम्हें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है और वे अपने बीस्ट को कहता है कि तुमने अभी फिफ्थ लेवल का स्टोन एब्जॉर्ब किया है, इसलिए जाकर तुम आराम करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू का बिस्ट आराम करने के लिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सेलर कहता है कि मैं इस बॉडी के बदले सिर्फ तुम्हें 400 गोल्ड दूंगा। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं कि लीजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वे कहती है कि तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो, हमने इस बिस्ट को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और हमसे जरा से भी चूक होते तो ये बिस्ट हमें ही मार डालता और तुम हमें सिर्फ इसकी इतनी ही सी कीमत दोगे। लीजिन सेलर से बात कर ही रही होती है कि तभी पीछे से किसी की आवाज आता है और जिसे देखने के लिए लीजिन और हाउचन पीछे मुड़कर देखते हैं और वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लिंजुआन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंजुआन पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और वे पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा भी दिख रहा था और वे वहाँ पर आते ही उस ग्रीन डीमन के पास चला जाता है और वे इस ग्रीन डीमन को छूते हुए कहता है कि कितना ताकतवर डीमन है ये, कितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और हम देखते हैं कि वे इस ग्रीन डीमन की ऐसी ही तारीफ करता ही जाता है। तभी हम देखते हैं कि वे अपने मन में सोचता है कि इस ग्रीन डीमन को मैं ही खरीदूंगा, भले ही चाहे इसके बदले मुझे कितने भी पैसे देने क्यों ना पड़े। इस डीमन को खरीदने के लिए वे पीछे मुड़कर यू को कहता है कि बताओ तुम इस डीमन के बदले कितने पैसे लोगे। और हम देखते हैं कि उसने अभी तक यहाँ पर यू और लीजिन को नहीं पहचाना था क्योंकि ये लोग पहले से बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए थे, लेकिन जैसे ही वे यू को देखता है तो वे शॉक्ड हो जाता है। और हम देखते हैं कि वे अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझसे भी ज्यादा हैंडसम लड़का यहाँ पर कैसे आ गया, मुझे तो लगा था कि इस दुनिया में मेरे से ज्यादा हैंडसम कोई है ही नहीं। वे ऐसी बात ही सोच ही रहा था कि तभी वहाँ का सेलर उसे कहता है कि सुन बेवकूफ, तुम कौन हो, पता नहीं तुम जैसे लोग कहाँ कहाँ से आकर हमारे कस्टमर को छीनने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वे सेलर इसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता है, लेकिन लिंजुआन सेलर की बात नहीं सुनता है और वे यू और लीजिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें इसकी लाश कहाँ से मिली। जिस पर लीजिन बताती है कि हमें ये कहीं से नहीं मिला, हमने इसे मारा है। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं कि लिंजुआन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वे सोचने लगता है कि ये दोनों मेरे ही एज के और ये कैसे किसी भी ग्रीन डायमंड बीस्ट को मार सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि वे यू और लीजिन के बारे में जानने के लिए अपनी इनसाइट का यूज करने लगता है और इस स्पेल की मदद से वे किसी के भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। और वे ये देखकर हैरान हो गया था कि उसकी इनसाइट स्पेल का यू पर कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि वे यू का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा था, जिस टेक्निक का यूज वे लीजिन पर भी करता है जिससे कि उसे थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन मालूम होती है। और वे सोच रहा होता है कि मानना पड़ेगा ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का है क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल पावर इस लड़की से भी ज्यादा है। लिंजुआन इन दोनों की इन्फॉर्मेशन जान ही रहा था कि तभी सेलर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे इसे देखकर कहता है कि बेवकूफ तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, लेकिन लिंजुआन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और भी सीधा यू और लीजिन को कहता है कि अगर तुम ये बॉडी मुझे देना चाहो तो मैं इसे 4000 गोल्ड में खरीद लूंगा। यहाँ इससे पहले यू कुछ कह पाता है तभी अचानक हम देखते हैं कि उस सेलर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे लिंजुआन को कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ का सेलर मैं हूँ और यहाँ पर सिर्फ मैं ही कुछ खरीद और बेच सकता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं कि लिंजुआन को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है।